चांद पर सफल हुआ प्रज्ञान रोवर। गड्ढे को पार कर इसरो की दूर की टेंशन। चांद की सतह पर कैसे ट्रेवल करता है रोवर। हर पल की जानकारी होती है इसरो को। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। अभी ये जाहिर सी बात है कि चंद्रमा की सतह पर गड्ढे हैं, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 के रोवर को घूमने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसरो के वैज्ञानिक भी टेंशन में है। लेकिन इस दौरान प्रज्ञान रोवर जिस तरह से काम कर रहा है, इससे इसरो के वैज्ञानिकों को राहत मिली है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में प्रज्ञान रोवर ने ऐसा क्या किया है और साथ में ये भी कि प्रज्ञान रोवर चांद पर कैसे चलता है। दरअसल इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर पहली चुनौती से निपटने में सफल रहा है। उसके सामने चांद की सतह पर 100 mm का क्रेटर यानी गड्ढा आया। प्रज्ञान ने बड़ी सावधानी से उसे पार किया और इसरो कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली है। अभी प्रज्ञान रोवर को ऐसी कई चुनौतियों से निपटना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया को चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर PV Rumuthuvel ने बताया है कि अभी तक के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से अच्छे नतीजों की उम्मीद का भरोसा बढ़ा है। इसरो के सैकड़ों सहयोगियों के अथक प्रयास के बिना इसमें से कुछ भी संभव नहीं होता है। खास तौर से नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल, प्रोपल्शन सेंसर्स और सभी मेनफ्रेम सबसिस्टम्स के सहयोगियों के बिना है। चंद्रयान 3 के चलने का पूरा प्रोसेस इसरो के बेंगलुरु के ऑफिस से कंट्रोल किया जाता है। प्रज्ञान को चांद की सतह पर पॉइंट ए से बी तक मूव कराने के कई स्टेप्स होते हैं, क्योंकि प्रज्ञान रोवर अधिकतम 5 मीटर की दूरी तय कर सकता है। सबसे पहले रास्ते की प्लानिंग की जाती है। ऑनबोर्ड कैमरा का डाटा बेंगलुरु के इसरो कंट्रोल सेंटर में डाउनलोड किया जाता है। इस डेटा से डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी DEM बनाया जाता है। फिर ग्राउंड और मैकेनिज्म तय करती है कि कौन सा रास्ता लेना है। फिर रोवर को फॉलो करने के लिए कमांड दिया जाता है। हर बार रोवर के नेविगेशन कैमरा से मिलने वाली तस्वीर के माध्यम से अधिकतम 5 मीटर तक का DEM बनाया जा सकता है। बता दें कि इसरो पहले ही कई रोवर मूवमेंट करा चुका है। Virumuthuvel ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि प्रज्ञान किसी बड़े रोवर जैसा नहीं है। सीमित संसाधनों के भीतर हमने मिनी HS सिस्टम स्थापित किए हैं, जो अत्याधुनिक है, लेकिन कुछ सीमाएं हैं, जैसे टेलीमेंट्री और टेलीकम्युनिकेशंस की 24/7 अनुपलब्धता। सूर्य को लगातार ट्रैक करने की जरूरत है और इसीलिए रोवर के हर मूवमेंट ऑपरेशन के बीच का समय लगभग 5 घंटे है। तो ये थी चंद्रयान 3 से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।